सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा थे, तो राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान सभा हुए। तो राजा सोचे कि सब जितने लोग आते हैं, वेदांतिन लोग आते हैं, गंभीर गंभीर चर्चा करते हैं, कोई ऐसा मूर्ख आ जाए कि जो हमको हंसा दे, थोड़ा हंसना भी तो जरूरी होता है। अब अपने मंत्रियों से कहा कि भैया जाओ और ढूंढो कोई बढ़िया मूर्ख मिल जाए तो उसको पकड़ के लाओ। बताओ राजा ऐसे तक मूर्ख ढूंढवा रहे हैं, और आज ढूंढना पड़ता है कोई विद्वान मिल जाए तो बुला के लाओ, और राजा ढूंढवा रहे तो कोई मूर्ख मिल जाए तो लाओ। अब मंत्री सब लगे घूमने, ढूंढते 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 गए तो देखा कि एक वृक्ष पर, एक डाल पर एक आदमी खड़ा है, और जिस डाल पर खड़ा वही डाल काट रहा है। राजा के मंत्रियों ने सोचा कहा इससे बड़ा कहां मूर्ख होगा भाई, थोड़ी देर में गिरेगा मर जाएगा, इसको नीचे उतारो जल्दी से। काहे नीचे उतरो? अब मूर्खवा उसी पे जिस डाल पे बैठा खड़ा है उसी डाल को काट रहा है, कहा उतर रहा हूं आराम से, घबराओ। अरे नीचे उतर, राजा का आदेश है, जब डाटा बड़े जोर से तो बेचारा डर के मारा नीचे उतर के आया। कहा तुम इतनी पागल हो, जिस डाल पे खड़े हो उसी डाल को काट रहे हो? कहा पागल हम हूं कि पागल आप लोग हो? कहा कैसे? कहा अरे डाले के साथ जब डाल नीचे आती थी हम से आराम से नीचे चले जाते, जब धरती के पास आते तो कूद के बगल खड़े हो जाते। कहा यार ये तो नंबर एक का मूर्ख, ले चलो राजा के पास। और जब राजा के पास ले गए, राजा को सुनाए तो राजा बड़े जोर जोर से हंसने लगे। कहा तुम ऐसा करो कि 15 दिन में एक बार हमारे पास आया करो। तो मूर्खवा देखो सब तो राजा को डर रहे थे, लेकिन मूर्खवा थोड़ी डर रहा है। राजा से मूर्ख ने कहा ऐसे 15 दिन में आऊंगा, भोजन पानी की व्यवस्था? तो राजा ने कहा मैं एक झंडा देता हूँ और झंडा पे अपना मोहर मार देता हूँ, तुम किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे जाके भोजन कर लेना और पैसा मांगे तुम्हारा झंडा दिखा देना। मूर्खवा कहा इतनी बढ़िया कहा मजा का, दियो झंडा हमको। अच्छा ये बताओ कब हम घर परिवार में मिलने लिए घूमने के लिए जाने का मन हो तब आइए, आपको झंडा लेके 15 दिन में हमेशा आना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि जब तुमसे बड़ा कोई मूर्ख मिल जाए तो ये झंडा उसको पकड़ा के तुम चले जाना छुट्टी पे। अच्छा अब जाए जहाँ बढ़िया रेस्टोरेंट देखे, 5 स्टार सेवर जो 1 स्टार बढ़िया होटल देखे, जाके बढ़िया पहले भोजन करे, झंडोबा छुपाए रहे अब खा ले तब दिखाए के देखे। खूब खा के मोटा तगड़ा पहुंचे, मस्ती में बात करे। राजा का अंतिम समय आया, जब मरने का समय आया तो राजा अपनी रानियों को उपहार देने लगे और नौकरों को उपहार देने लगे, भाई इस राजा इस लोगों ने बड़ी सेवा किया है। तब तक राजा को याद आ गई एक बात, वो मूर्ख बेचारा हमको बड़ा हंसाता था, उसको भी कुछ देना चाहिए। अपने नौकरों से कहा कि भाई तुम जाओ और उस मूर्ख को बुला के लाओ। अब सब लोगों ने बताया कहा चलो राजा साहब बुला रहे। कहा 15 दिन कहे तो पहले ही बुला रहे हैं? कहा कुछ जरूरी काम है। कहा चलो। आया झंडा लेकर पहुंचा। कहा कहिए महाराज। कहा देखो भैया मैं जा रहा हूं। तो मूर्खवा कह रहा कि कहां? कहा ये तो पता नहीं है। तो कहा कि एकाक रानी पटरानी लिवा के जा रहे हो कि अकेले ही जा रहे हो? कहा नहीं जा तो रहा हूं अकेले, मरते समय अकेले ही तो आदमी जाता है। कहा एकाक नौकर चाकर? कहा कोई नहीं, अकेले ही जाना पड़ रहा है, क्या करूं। तो कहा जहाँ जा रहे हो वहाँ चाय पानी भोजन वोजन की व्यवस्था व्यवस्था है कि नहीं? कहा ये पता तो नहीं है। कहा पकड़ो झंडा अपना। कहा क्यों? कहा हम हो उस बड़े मूर्ख तो तुम हो, हम तो जहाँ जाता हूँ खाने पीने की व्यवस्था करके जाता हूँ और तुम वैसे ही जा रहे हो। फिर बेचारे राजा हंसे बड़े जोर से, बताओ और वैसे ही हम लोग हैं, यहाँ तो सब खूब तैयारी कर रहे हैं, ये बढ़िया मकान बन जाए, वो बढ़िया दुकान चल जाए, ये हो जाए, लेकिन वहाँ वाली किसी को तैयारी ही नहीं है कि काक नौकर चाकर जाएगा कि नहीं। अरे उड़ी जाई ई पिंजरा से सुगनवा हो, कैसे हो? अरे उड़ी जाई ई पिंजरा से सुगनवा हो तो बदनवा बेकार हो जाएगा। उड़ी जाई पिंजरा से सुगनवा हो, तैयारी कर लो हो जाए। उड़ी जाई पिंजरा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो जाइया। उड़ी जाई पिंजरा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो जाइया। देखो वहां की तैयारी कर लो,